प्रदेश भाजपा सरकार की विकास यात्रा तीसरे दिन सेगांव पहुंची। यहां पर ग्राम पंचायत द्वारा यात्रा का ढोल ताशे और पुष्प वर्षा से स्वागत करते हुए यात्रा प्रभारी व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार को घोड़े पर बैठाकर गोलवाड़ी रोड से ग्राम पंचायत तक दूल्हे की तरह लाए। इस अवसर पर जनजाति सुरक्षा मंच के प्रांतीय संरक्षक छतर सिंह मंडलोई, पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी, भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव पाठक, हीरालाल पाटीदार मौजूद थे। विकास यात्रा में शामिल यात्री ढोल ताशे पर जमकर थिरके। इस दौरान शासकीय अमले में बीआरसी सहित अन्य विभागों के विभाग प्रमुख, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं शासकीय कर्मचारी भी शामिल थे। विकास यात्रा में अतिथियों ने केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की। वहीं अतिथियों द्वारा छात्र छात्राओं को निशुल्क साइकिलों और लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण भी मंच से किया गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। द्वारा विकास यात्रा को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? यह विकास यात्रा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हमारे 5 फरवरी से नगर परिषद बिस्टान से यात्रा प्रारंभ होते हुए हमारे भगवानपुरा बिस्टान मंडल से होते हुए यात्रा बरूड़ मंडल होते हुए सेगांव मंडल में आई है। और हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो जनता को लाभ मिला है उन योजनाओं को मतलब नहीं, साथ ही जो काम बाकी रह गए उन कामों के लिए हम जैसे हमारे पेंशन नहीं मिल रही है, खाद्यान्न पर्ची नहीं मिल रही है, संबल योजना में नाम नहीं है, किसान सम्मान निधि में अगर मान लो किसी का नाम छूटा हो तो उनको हम सब अधिकारी और समझ पदाधिकारी हम यहाँ पर आए हैं, उनसे आवेदन ले रहे हैं कि जो उनके काम बाकी है उनको काम कराएंगे। क्या नाम लिखते हैं? बापू सिंह परिहार, ये विधानसभा भगवानपुरा यात्रा प्रभारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।